वो योगी आदित्यनाथ जी को बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ गया। लेकिन आज मजदूर 1800 किलोमीटर चले, पुलिस ने लठ बजाए, घरों में मारा, गलियों में मारा, चौराहे पे मारा, लेबर लॉ खत्म कर दिया, और वो पैसा उत्तर प्रदेश का किसको लुटाया गया ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। लगातार जैसे आपने खुद बताया उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक है, सरकार डरी हुई है। इस बयान को मैं इस परेब रख दूं तो खुद एक सर्वे आता है बॉक्स इंडिया न्यूज़ का, वो सर्वे में दिखाती है कि समाजवादी पार्टी लगातार इस चीज़ को अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को कहीं ना कहीं वो हावी होते हुए नजर आ रही है। क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है कहाँ का असर रहेगी इन चीज़ों पर? देखो वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि जो पिछले 5 साल जी, जो 2012 से 17 तक जो अखिलेश यादव जी का काम रहा वो सराहनीय रहा। देश का और उत्तर प्रदेश का किसान, हर किसान उनका मुरीद बन गया है और मजदूर भी मुरीद बन गया है कि जो उस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं दी थी। आज मैं किसान आंदोलन पे हूँ, सारे बॉर्डरों पे जाता हूँ, लोग याद करते हैं, और जब बेटियां और महिलाएं यहाँ आती हैं वो याद करते हैं कि बोले अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप 18 लाख लैपटॉप, वो पैसा कहाँ गया? योगी आदित्यनाथ जी को बताना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने जो डायल 100 वर्ल्ड क्लास डायल 100 और मुख्यालय बनाया था और गाड़ियों को सीधा कनेक्टिविटी नखलऊ से जोड़ दी थी, 15 मिनट के अंदर डायल 100 को रिस्पांस देना पड़ता था, जो अखिलेश यादव जी ने उसमें पैसा लगाया था वो योगी आदित्यनाथ जी को बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ गया। आपने 108 नंबर जो दी थी, गाँव और गलियों में जिस तरीके से दौड़ती थी और गर्व महसूस होता था कि मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी का जो जनता वो लागू किया था उन्होंने, और जो लोगों को सौगात दी थी वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी को बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहां लगा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो गोमती रिवर्स फ्रंट एक्सप्रेस हाईवे 23 महीने में रिकॉर्ड तोड़, जो अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस हाईवे दिया था, जो उनका सुपरहिट एक्सप्रेस हाईवे आज भी दुनिया जिसको सानी मानती है, अखिलेश यादव जी का जो विजन था वो पैसा कहाँ गया बाबा योगी आदित्यनाथ जी को बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ गया। अखिलेश यादव जी ने जो बच्चियों को सुविधाएं दी थी, जो महिलाओं को सुविधाएं दी थी, 55 लाख लोगों को जो पेंशन दी थी, बाबा योगी आदित्यनाथ जी को ये बताना पड़ेगा कि जो अखिलेश यादव जी 55 लाख लोगों को पेंशन देते थे वो पैसा उत्तर प्रदेश का कहां गया। उत्तर प्रदेश में यूरिया और डीएपी की खाद में एक भी लोग नहीं मरे थे अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, और वो पैसा उत्तर प्रदेश का किसको लुटाया गया ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। बाबा अखिलेश यादव जी के जमाने में नोटबंदी हुई थी, एक सिपाही ने कांस्टेबल ने लठ मार दिया था, योगी आदित्यनाथ जी को बताना पड़ेगा कि कोरोना काल में इतने लोगों को लठ बजे, लोग मारे गए, और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में एक सिपाही ने लठ मार दिया था, अखिलेश यादव जी ने नखलऊ से 15 मिनट नहीं लगे थे और उस सिपाही को सस्पेंड करा दिया था। लेकिन आज मजदूर 1800 किलोमीटर चले, पुलिस ने लठ बजाए, घरों में मारा, गलियों में मारा, चौराहे पे मारा, लेबर लॉ खत्म कर दिया, देश के किसान को और मजदूर को अपमानित किया गया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी को देना पड़ेगा कि ये लोग देश के किसानों को और मजदूरों को अपमानित करते रहे, इनको ये जवाब आज गांव में जाके देना पड़ेगा कि आपने क्या दिया, सिर्फ दिया तो किसानों को अपमान दिया, बेइज्जती दी, और कुछ नहीं दिया तो नुकसान ही दिया, फायदा कुछ नहीं दिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।